गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो फीटर के स्टूडेंट है, जो पास आउट हो चुके हैं, अब सेकेंड ईयर में गए हैं, उनके लिए ये निम्मी बुक क्वेश्चन बैंक सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का पहला वीडियो है फीटर सेम थर्ड मॉड्यूल वन असेंबली। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, विच स्पेशल फाइल ही इज़ यूज फॉर नैरो वर्क। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिलर फाइल, ऑप्शन बी स्क्वायर फाइल, ऑप्शन सी ड्रेड नॉफ फाइल, ऑप्शन डी स्विस पैटर्न फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पिलर फाइल। जब भी स्पेशल फाइल से क्वेश्चन आता है तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है जिसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी एक स्पेशल फाइल है जहाँ पे नैरो वर्क किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है पिलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन ए टू फिट फिक्स स्प्लिट पिन, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। ऑप्शन बी फॉर गुड अपीयरेंस, अच्छी दिखावट के लिए। ऑप्शन सी रिड्यूस द वेट ऑफ नट, नट का वजन कम करने के लिए। ऑप्शन डी फॉर इजी रिमूवल एंड फिटमेंट, आसान से हटाने और फिट करने के लिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टू फिक्स स्प्लिट पिन, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। इस लिमिट गेज का नाम क्या है? जो ये गेज का डायग्राम दिया गया है इसका नाम क्या है? तो ये गेज है, इसमें ही गो, ये गो साइज है और ये नो गो साइज है। तो ये एक ही गेज में दोनों साइज दी गई है, तो किसका हो सकता है? हमारे सामने ऑप्शन चार दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्लेन रिंग गेज, क्या ये प्लेन रिंग गेज की तरह है? ऑप्शन बी टेपर प्लग गेज, क्या ये टेपर प्लग गेज की तरह दिख रहा है? ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, क्या ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज की तरह दिख रहा है? ऑप्शन डी डबल एंडेड प्लग गेज, क्या ये डबल एंडेड प्लग गेज की तरह दिख रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज ही ऐसा होता है जिसमें गो और नो गो सिरा एक ही साइड में दिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है? जो गेज का डायग्राम दिया गया है इस गेज का नाम क्या है? हमारे सामने ऑप्शन चार दिए गए हैं। ऑप्शन ए रिंग गेज, क्या ये रिंग गेज की तरह दिख रहा है? ऑप्शन बी प्लग गेज, क्या यह प्लग गेज की तरह दिख रहा है? ऑप्शन सी टेपर रिंग गेज, कि यह टेपर रिंग गेज है? ऑप्शन डी टेपर प्लग गेज, क्या ये टेपर प्लग गेज है? स्टूडेंट गौर से देखिए डायग्राम, राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिंग गेज, ये रिंग गेज की तरह दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, मिलने वाले भागों के बीच गैपों की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
हमारे सामने ऑप्शन चार दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्लिप गेज, क्या स्लिप गेज के द्वारा हम गैपों के बीच चेक कर सकते हैं। ऑप्शन बी प्लग गेज, ऑप्शन सी फिलर गेज, ऑप्शन डी रेडियस गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फिलर गेज। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। ये हर बहुत सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसको ध्यान में रखी है, अगली एग्जाम में भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? हमारे सामने चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए वैक्स मोम, या मोम की मोम से हम साफ कर सकते हैं। ऑप्शन बी केरोसिन, मिट्टी के तेल से साफ करते हैं। ऑप्शन सी सॉल्युबल ऑयल, घुलनशील तेल से साफ करते हैं। ऑप्शन डी कार्बन टेक्टा क्लोराइड, क्या कार्बन टेक्टा क्लोराइड के द्वारा साफ करते हैं स्लिप गेज को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्लिप गेज को साफ करने के लिए कार्बन टेक्टा क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? ऑप्शन ए ऑयल, ऑप्शन बी केरोसिन मिट्टी तेल, ऑप्शन सी कूलेंट ऑयल, ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरोसिन मिट्टी तेल। मिट्टी तेल को एक ऐसी सामग्री है जो चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है, तो मिट्टी के तेल के द्वारा हम उसे साफ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लीप गेज फ्रॉम रस्ट। स्लीप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट क्या पूछ रहा है? स्लीप गेज को जंग से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑयल तेल, ऑप्शन बी वैक्स मोम, ऑप्शन सी केरोसिन मिट्टी तेल, ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली। चार ऑप्शन दिए, इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली। स्लीप गेज को जंग से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ड अप द स्लीप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन। विशेष आयाम के लिए स्लीप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए स्टार्ट ब्रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लीप गेज, सबसे बड़ी स्लीप गेज के साथ विनिग्न रूप करें। ऑप्शन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक की अधिकतम संख्या। ऑप्शन सी बिल्ड विद ग्रेट जीरो एक्यूरेसी, ग्रेट जीरो एक्यूरेसी के साथ निर्मित।
ऑप्शन डी स्टार्ट ब्रिंकिंग विद द स्मॉल स्लीप गेज, छोटी स्लीप गेज से ब्रिंकिंग शुरू करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टार्ट ब्रिंकिंग विद द स्मॉल स्लीप गेज, छोटी स्लीप गेज से ब्रिंकिंग शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, इस गेज का नाम क्या है, ये जो गेज दिया गया है इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्लेन स्नैप गेज, क्या ये प्लेन स्नैप गेज की तरह दिख रहा है? ऑप्शन बी थ्रेड स्नैप गेज, क्या यह थ्रेड स्नैप गेज की तरह दिख रहा है? ऑप्शन सी थ्रेड पीच गेज, क्या ये थ्रेड पीच गेज की तरह दिख रहा है? ऑप्शन ई एडजस्टेबल स्नैप गेज, क्या ये एडजस्टेबल स्नैप गेज की तरह दिख रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एडजस्टेबल स्नैप गेज। इसके अंदर स्क्रू वगैरह लगे हैं, ये स्क्रू लगे हैं इसमें, ये ऊपर ये भी, तो ये क्या है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्नैप गेज इसी आकार का है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एडजस्टेबल स्नैप गेज की तरह दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? ऑप्शन ए फाइलिंग, ऑप्शन बी टर्निंग, ऑप्शन सी ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी लेपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लेपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, किस अपघर्षण एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात, क्या पूछ रहा है, नरम इस्पात और अलौ धातु के लेपिंग के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी डायमंड हीरा, ऑप्शन सी बोरॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी फ्यूज्ड एल्यूमिना। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्यूज्ड एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई ग्रूव्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लेपिंग प्लेट, लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए टू अलाउ एक्सपेंशन, विस्तार की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड क्लियरेंस प्रदान करना, ऑप्शन सी टू रिटेन द एब्रेसिव अपघर्षण को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट, मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टू रिटेन द एब्रेसिव अपघर्षण को बनाए रखने के लिए, अपघर्षण को बनाए रखने के लिए सरफेस प्लेट की सतह पर ग्रू प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? ये जो बॉक्स दिया गया है इसका नाम पूछ रहा है वो, सरफेस हार्डनिंग की एक विधि होती है, बॉक्स में कौन सी विधि है ये की जाती है? ऑप्शन ए नाइट्राइडिंग, क्या इस बॉक्स में नाइट्राइडिंग की विधि की जाती है? ऑप्शन बी पैकिंग कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग की जाती है। ऑप्शन सी फ्लेम हार्डनिंग, क्या ये फ्लेम हार्डनिंग की जाती है? ऑप्शन डी इंडक्शन हार्डनिंग, क्या ये इंडक्शन हार्डनिंग की जाती है? स्टूडेंट्स का आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैक कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग, बॉक्स के अंदर पैक कार्बोराइजिंग ही की जाती है।
तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक, अगला लेक्चर आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और स्टूडेंट इसको पूरा पढ़िए ताकि आप अगली एग्ज़ाम की तैयारी मजबूत हो सके और आप फेल ना हो। आप 100% पास होंगे स्टूडेंट यदि आप इसको व्यवस्थित पढ़ लेते तो, ठीक है। और जो स्टूडेंट पास हो गए हैं, वो सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, तो उनके लिए ही मैंने ये सीरीज चालू की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जो स्टूडेंट्स कॉलेज में रेगुलर नहीं जा पाते उनके लिए ये बेनिफिट है। तो स्टूडेंट्स अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए और पास हो जाइए अच्छे से, और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट की नौकरी करिए।